सुपरकार वन सुपरकार टू। भाई साहब क्या आग लगा रखी है हमने यार, दो दो सुपरकार। आवाज सुनोगे गाइज, विनय की सुपरकार की आवाज सुनोगे? तो गाइज ये है अपनी लाडो, ये है विनय की सुपरकार। तो अभी हम करने जा रहे हैं ड्रैग रेस। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हर हर महादेव सबको। गाइज आज मैंने ना सुबह उठते ही अपने माथे पे लगा लिया ये चंदन का लेप, क्योंकि यार एक तो इसके फायदा बताता हूँ क्या होता है। एक तो ये ठंडा होता है चंदन, तो ना सर में मेरे भड़क सी हो रखी थी, दर्द सा हो रहा था यहाँ भी सारे के, तो मैंने लेप लगा लिया। अभी मेरे माथे को बहुत ठंडक मिल रही है और सारा दर्द हो गया ख़त्म। ये चंदन का लेप ओरिजिनल है बिल्कुल। मैं जब लास्ट टाइम शिवरात्रि के टाइम वाराणसी गया था तो वहाँ से लेके आया था। तो एक तो ये वाला फ़ायदा होता है, ऊपर से फिर इसकी जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो भी मस्त है। तो बढ़िया खुशबू आ रही है चंदन की। और भाई अपना महाकाल का वो भी ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल महाकाल का कट्टर भक्त हूँ, जो कि मैं हूँ। तो एक ये अपना कल्चरल भी हो गया बेसिकली। बाकी गाइज अभी चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच, इस वर्ल्ड कप का अभी तक का मोस्ट अवेटेड मैच। इसका तो बहुत इंतजार था मेरे को, क्योंकि इंडिया भी 4-4 मैच जीती है, न्यूजीलैंड भी 4-4 मैच जीती है, और आज इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने, तो देखते हैं कि कौन जीतेगा। अभी तक तो भाई कुछ कह नहीं सकते। 26 ओवर में 128 रन है न्यूजीलैंड के और 2 विकेट गिर चुके हैं। जिस तरीके से खेल रहे हैं मेरे को लग रहा है 300 के आसपास तो बना ही देंगे भाई। वैसे 3 विकेट हो जाते हैं, जड्डू ने कैच छोड़ दिया यार। किस किस ने वो कैच ड्रॉप देखा था। अच्छा वैसे वर्ल्ड कप कौन कौन देख रहा है कमेंट करके बताओ यार। मैं पूछना ही भूल गया आप लोगों से, कितने लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे। जल्दी से कमेंट करके बताओ गाइस कि क्रिकेट कौन देखता है और कौन नहीं देखता। ओए 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 कैच कैच, ओए शिट यार, ओए यार चांस था पर मुश्किल चांस था। तो गाइस अभी यहाँ हो रही है हमारी दशहरे की वीडियो एडिट। ये कब तक हो जाएगी? रात तक पक्का, माँ कसम। ऐसे कसम, माँ कसम खा। 1-2 बजे तक, 1-2 बजे तक माँ कसम, विद म्यूजिक फाइनल। मेरी तरफ से बेस्ट रहेगा इस बात की माँ कसम, मेरी तरफ से पूरी स्पीड, पूरी स्पीड। अगर बेस्ट रखेगा तो ठीक है, पर मेरे को लगता नहीं 1-2 बजे तक कर देगा। पर अगर तू बेस्ट करने के लिए बैठेगा तो हो भी सकती है, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं होगी इसमें। हाँ भाई गाइस कल इसका सीन था, इसको बोला ना सुग्रीव। मेरे को भी अपने जैसा बढ़ा दिया इसने, इसको बोला ना सुग्रीव। सुग्रीव पता क्या कह रहा बार बार गाइस, वो रामायण में सुग्रीव था ना, उसको कह रहा सुखबीर भाई। वो मुंह से निकल रहा था मेरे। बाकी गाइस अभी मैं सिब्बू के साथ जा रहा हूँ बाहर। क्या करना है तुझे? मेहंदी लगवानी है। इसको मेहंदी लगवानी है और मैं सोच रहा हूँ मेहंदी लगवाने जाएंगे तो लगे हाथ मैं थोड़ी शेव करवा लूंगा, बाल कटवा लूंगा। तो सैलून तो मुझे पता है, जैसे मैं लास्ट टाइम लुक्स के सैलून गया था, पर अब ये देखना है कि उधर मेहंदी वगैरह भी लगती है या नहीं। तो 1-2 मार्केटों में जाएंगे और जहाँ पे मेहंदी भी लग जाए और बाल भी कट जाए उस वाली मार्केट से हम अपना काम करवा लेंगे। गाइज ये री लाडो। चलो भाई निकलने से पहले सारे लोग बोल दो राम राम, तो सबको जय श्री राम। लेकिन हम लाडो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पार्किंग अच्छी मिले ना मिले, खड़े करने में हमें इशू रहेगा, वो वाली चीज़ है ना। तो इसलिए हम XUV लेके जाएंगे। आज सही साफ़ हो रखी है यार, आज लग रही है कि हाँ साफ हुई है। क्या? हाँ ये स्क्रैच है। ये कैसे लगा? ये नहीं पता, बट ये वाला पता क्या हुआ, ये लगा कल, ये देख। ये कैसे लगा? मार्केट में बाइक वाला आया, घिसाड़ के भाग गया इस पे। हाँ मतलब नहीं उसे कुछ। अरे इतने में उतरा, इतने में तो गायब, मार्केट मारते गायब। जैसे मैं मतलब ट्रैफिक में फंसी है, मेरे पीछे कुछ ऑटो वाला था, बीच में हल्की सी जगह होगी, तो वहां से निकालने के चक्कर में ऐसे आया और यहाँ पूरी साइड मार के रगड़ के चला गया। ये वाला जो है, ये जो पुराना घर था ना उस टाइम ही लगी थी, अब इसका ध्यान भी नहीं आ रहा कैसे लगी मेरे थी। को तो अभी दिखी है। चलो गाइज XUV लेके चलते हैं। XUV पे भी भाई राम राम है, तो सारे भाई फिर से बोल दो राम राम, सारे भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। गाइज फिर से वही इशू देख रहे हो, ये टायर खराब हो चुका है भाई मेरा, ये मेरे को बदलवाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इसका और कोई समाधान नहीं है, या तो फिर एक फाइनल ट्राई मार सकता हूँ किसी अच्छे पंचर वाले पे जाके अच्छे से पंचर लगवाने का, वरना मैं तो हर जगह लगवा लगवा के परेशान हो चुका हूँ, कहीं भी नहीं लग पा रहा है भाई। हर जगह यही हो रहा है कि पंचर लगता है, एक दिन भी नहीं चल पाता, फिर इसमें लीकेज हो जाती है। तो एक फाइनल ट्राई या तो अच्छा सा पंचर लगवाया जाए, नहीं तो फिर ये टायर ही नहीं आएगा फिर। भाई अभी सिब्बू गया सामने गार्ड से पूछने कि अंदर कोई मेहंदी लगाने वाला है या नहीं, अगर मेहंदी लगाने वाला होता है तो फिर यहाँ से मेहंदी लगवा लेंगे। गाइज मिल गया भाई सिब्बू को सैलूनी सी मार्केट में, गाड़ी पीछे पार्क कर दी, मेहंदी भी लगवा लेंगे यहाँ और मैं बाल भी कटवा लूंगा। गाइस पार्लर तो मिला यहाँ पे, और मेहंदी वाला भी मिल गया और कटिंग वाला भी मिल गया, बट हम वापस आ गए। पूछो क्यों,
बताऊंगा अभी क्यों। हाँ तो गाइज मेहंदी वाला भी मिल गया था, कटिंग वाला भी मिल गया था, बट हम वापस इसलिए आ गए क्योंकि मेहंदी वाला आएगा 8 बजे और फिर कटिंग मैं सोचा कि लेडीज़ मेहंदी वाली ठीक है, एक ही बात है मेहंदी लगवाने से मतलब है ना, और कटिंग फिर मैंने सोची कि अभी करवाने के बजाय फिर 8 बजे जब ये मेहंदी लगवाने आएगी तभी कटिंग भी करा लूंगा, इतने मेरी कटिंग होगी इसके, इतने इसके मेहंदी का काम भी हो जाएगा, तो दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे। तो अभी तो भाई 6 बजे हैं तो 2 घंटे बाद 8 बजे वापस आएंगे फिर। तो गाइज 8 बजे हमें जाना था तो हम दोनों दोबारा 8 बजे जा रहे हैं। इंस्टा को नहीं लेके जा रहे, नो तुझे नहीं जाना, चल तू चल मारूंगा तुझे, ही जा रहे हैं थोड़ी देर में, चल बाय। ये अच्छा लग रहा है ना गाइज, ये मैंने पहले भी दिखाया था। तो गाइस बाल कटवा लिए हैं और सिब्बू ने लगवाई है मेहंदी, दिखाइयो। तुम्हारे गाड़ी के शीशे पे लग गई क्या ये थोड़ी सी? कोई ना, दिखाइए मेहंदी, ये देखो भाई इसकी मेहंदी और खाने का भी लेके आई है। चल अब उठाओ ना, ये उठा लिया, गेट भी मैं ही खोलूं? खोल दो अब, मेहंदी लग गया निकल बाहर। विनय को आना था, विनय करता है 1 घंटे में आऊंगा अपनी सुपर कार लेके, आया नहीं अभी तक, उसकी गाड़ी तो नहीं दिख रही कहीं, पता नहीं, फोन करके पूछता हूँ कहाँ रह गया। चलो ऐसे ठसा देता है, कह रहा रस्ते में हूँ 1 घंटा लगेगा अभी आया बस। लेकिन गाइज यहाँ पे तो उसकी गाड़ी नहीं खड़ी, उधर भी कहाँ खड़ी है, यहाँ पे तो अपनी वाली सुपर कार खड़ी है बस, विनय वाली कहाँ है? एक सेकंड रुको, परली तरफ देख लेते क्या पता उधर खड़ी हो। ए ए ए, ए। नहीं है, यहाँ भी नहीं खड़ी भाई, फुद्दू बना दिया। जब हम सैलून जा रहे थे तो फोन करा था मैंने, बैठा है झूले पे, विनय नहीं है पर। तो गाइज ये देखो भाई पागल बना के आ गया है, ये रात के 1 बजे आया है मेरे को इसने, तूने मेरे को 11:30 बजे आया हूँ पहली बार, करेक्ट कर, करेक्ट नहीं 11:30 आया भाई, माँ कसम झूठी कसम, चल 11:30 चल 11:30 लगा ले, कोई नहीं भाई, मैंने इसको फोन किया था 6 बजे, कह रहा भाई 1 घंटे में आ जाऊंगा, 11:30 1 घंटे में होते हैं भाई, टाइम लगता है 2 सीटर में आने में यार। अच्छा और क्या, गाड़ी तो दिखा दे, फर्स्ट टाइम गुड़गांव आई है भाई इसकी सुपर कार, गाड़ी तो देख ले एक बार, रात के 2:30 बजे जाके नीचे गाड़ी तो देख ले एक बार, चलाएगा अभी? चलाऊं तो बाद में गा, अभी देख लेता हूँ बस कैसी है एक्चुअल में, वैसे कैसा लग रहा है चलाने में? बढ़िया है भाई, चल गाड़ी देखते हैं, आ जा। चलो गाइस आज तो 2-2 सुपर कार आ गई हमारे घर में भाई, बिल्कुल सुनसान हो रखा है रात के 2:30 बजे, ठंडा मौसम हो गया, कहाँ है तेरी गाड़ी, कहाँ खड़ी है भाई? गाइस इसकी गाड़ी देखने के लिए मैं इसको शाम से फोन कर रहा हूँ, मगर जल्दी आ जा यार गाड़ी दिखानी है। एक तो ये खड़ी अपनी सुपर कार, कल इसके साइड में टिका देंगे कहीं, हाँ जगह देख के। हाँ ओ भाई साहब ये क्या है ओ भाई ये दूसरी खड़ी भाई, ओ भाई साहब ये भी लिखवा लेते ना, विनय से अमूल ब्लॉग्स, ओ तेरी की। अब पता है रोड पे लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी देखते हैं उसके बाद मुझे सर्च करते हैं कौन जा रहा है इसमें। अच्छा गाइस इसका नंबर देखो क्या है, बोस 8055 BOSS, वैसा वाला भी है तेरे पास ना, बोस नंबर जो जिस पे बोस लिखा हो? हाँ वो नंबर प्लेट रखी है अंदर, रखी है भाई साहब, मस्त लग रही है विनय, दिन में दिखेगी, रात को तो समझ नहीं आ रही है हाँ। इतनी पर फिर भी कितनी मस्त लग रही है यार, लोगों के रिएक्शन कैसे हैं? एक नंबर भाई, तू व्लॉग्स नहीं देख रहा क्या मेरे? मैं ही देख रहा हूँ सच बताऊँ तो, मैं एडिटिंग और शूट में बिजी था ना 1-2 दिन से, एक नंबर रिएक्शन से भाई है, ऐसे ऐसे है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि रोड पे चलते लोगों का सपना पूरा हो रहा है। तू एक दिन इसको ड्राइव करियो, दिल्ली लेके जाइयो, ठीक है? ओ भाई साहब ये देखो गाइस सुपर कार, वन मोर सुपर कार इन द हाउस, सही है। आगे भी विनय सैमुअल ब्लॉग्स, फुल प्रचार है भाई, आगे भी है, गेट पे भी है, देख गेट पे भी, ओ भाई विनय सैमुअल ब्लॉग्स, अबे सारे के ही लिखवा लिया, देख कोई बंदा इस तरफ से देखेगा तो मिस नहीं होना चाहिए ना। अच्छा कोई वहां से देखेगा तो वो भी पहचान ले, हाँ। पढ़ ले, जो आगे से देखेगा वो भी, अगर गाड़ी आगे चली गई तो पीछे से भी देख सकता है। इसकी रील बनाई है तूने? हाँ। अच्छा वो भी डालेगा, सही है। वैसे सारे के लिखवा लिया तूने, आगे मत लिखवाता, पता है देख मैं सच बताऊं जेन्युइन रिव्यू, पीछे वाला भी अच्छा लग रहा है, साइड वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे वाला हटवा देंगे, आगे वाला गाइस आप बताओ, मेरे को पीछे वाला भी अच्छा लगा, साइड वाला भी अच्छा लगा, आगे का भी है अलग थोड़ा लुक, या तो तेरे को लिखवाना था, पता कैसे लिखवाता, यहाँ पहले लगा था ब्लैक पट्टी फिर उसके ऊपर लगवाता ये, और देख शीशे शीशा कर्व में है थोड़ा, और तूने सीधा चिपका दिया, कोई ना तो वो थोड़ी सी ना सिमेट्री खराब हो रही है, रीएडिट कर लेंगे इसको। गाइस एक काम करते हैं, दोनों सुपर कार्स को ना खड़ी करते हैं एक साथ, फिर देखते हैं कि क्या लुक आएगी सोसाइटी में। स्टार्ट कर यार फिर, क्यों आवाज क्या हो गया,
छोड़ना, अभी लगाता हूँ साइड में। दोनों गाड़ियाँ सोसाइटी में लगने के बाद दिखनी तो चाहिए, कैसी लग रही है? चल भाई लगाते हैं। ज्यादा तेज आवाज है इसकी, इसमें मतलब वो है रोर है, रोर है। कोई ना, यहाँ लगाता हूँ इसको और फिर अपनी भी लगाता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं गाइस कैसा व्यू आएगा। रात के 2:30 बजे देख रहे हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, सुपर कार्स के साथ हम मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं हम सुपर कार्स के साथ खेल रहे हैं गाइस। भाई बहुत नीची है ये तो। वो तो है ही। आवाज सुनोगे गाइस, विनय की सुपर कार की आवाज सुनोगे? ओ आवाज सुनवाई और पीछे ये देखो गाइस। ओए बस कर बस कर, पीछे लगाता हूँ, रुक जा निकाल। अपनी सुपर कार में बैठा है और इसको पीछे कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हाँ भाई क्या बोलती है पब्लिक, अपनी भी लाता हूँ अभी, रुक जा। ये देखो गाइस लाइट में लगाऊंगा ना। हाँ हाँ लाइट में लगा ले, ठीक है यार। थोड़ी पीछे ले, पीछे ले, बस 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 बस, रोक दे यहीं, रोक दे। क्या कर रहा है गाइस ये रात में? भाई साहब ये ना प्रॉपर वैसी है भाई, वो नहीं होती बिल्कुल लो राइडर। इसमें तो बैठ कैसे लग रहा, जमीन पे बैठ गया। पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक होगा ना? और क्या, बढ़िया एकदम। बैठने में वैसी है, अभी तक मेरे से सिर्फ दो बार लगी है नीचे से। लग भी गई नीचे से? हाँ ज्यादा हल्की सी, वही जो आवाज आती है खर। अच्छा चलो गाइस BMW लेके आते हैं, लाडो। इसका नाम नहीं सोचा कुछ, ऑडियंस ने कमेंट नहीं करी, कर रहे हैं लोग। भाई देखो कैसी लग रही है यार, बिल्कुल बीस्ट टॉर्जन ऐसा लग रहा सोसाइटी में, क्या आ गया ये अनएक्सपेक्टेड। विनय सच में देखा आगे वाला ना, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है, फीका लग रहा है, फीका डिस्टर्बिंग है, मतलब गाड़ी की लुक को डिस्टर्ब कर रहा है। साइड का और पीछे का सही लग रहा है लेकिन आगे का डिस्टर्बिंग है। चल ठीक है, इसको मॉडिफाई करा लेंगे। हाँ इसको सही करवा, लाडू निकालेगा रचित। देखियो देखियो यार अलग ही लग रही है, देखियो यार। तेरा नाम, ओ भाई साहब टार्जन, इसकी लुक फीकी है भाई, इसका अलग स्वाद है यार। बाहर की लुक की बात कर रहा हूँ, इसकी भी फीकी है, उसके सामने उसकी बाहर की लुक इतनी अट्रैक्टिव है ना। भाई इसकी लुक बनाने दे, छत खोलने दे इसकी। ओ भाई अब बोलो, आ गई लुक, आ गई फाइनल लुक। गाइस देख रहे हो दोनों भाइयों के पास सुपर कार हो गई, और क्या, मजाक थोड़ी है यार। लो भाई निकल गई हमारी लाडो भी, अब रचित इसको पीछे लेके जाएगा। वाओ इसकी लुक तो गाइस अलग ही है यार, ये तो खुल के गाइस ऐसी हो जाती है ना, मतलब जैसी अपनी वो वाली सुपर कार से लोगों की नज़रें नहीं हटती ना दोस्तों, वैसी जब अपनी ये BMW Z4 लाडो रोड पे चलती है और वो भी कन्वर्ट होके। क्या कह रहा है ना, थोड़ी पीछे ले हल्की सी, बस ठीक है। साइड साइड में लगाना चाहता है थोड़ा ऐसे ना, ठीक होगी ना ऐसे तो गाइस अब देखो भाई साहब क्या आग लगा रखी है हमने यार, दो दो सुपर कार। ओ भाई दो दो सुपर कार तो गाइज, और तू तीसरी लाने की और सोचता है? मैं तीसरी भी लाऊंगा, मैं चौथी भी लाऊंगा। सपने हैं, शौक है, पूरे करो भाई, मेहनत करो, कमाओ और पूरे करो, और अपने परिवार को और खुद को, अपने दोस्तों को, सबको खुश करो गाइज। तो गाइज ये है अपनी लाडो, ये है विनय की सुपर कार। तो अभी हम करने जा रहे हैं ड्रैग रेस। वो कुछ भी कर ले, आज रात को 2:30 बजे सोसाइटी में ड्रैग रेस कर रहा है। नहीं एक दो दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटी में रात को पता है क्या हो जाएगा, एकदम से हमने ड्रैग रेस कर दिया ना यहाँ पे, अगर ड्रैग रेस छोड़ो, अगर हमने थोड़ी सी भी बका दी ना, लोग सोचेंगे ओह क्या हो गया, सबके फोन खटकेंगे, कंप्लेंट हो जाएगी। वो तो है ही, क्योंकि लोग सोचेंगे आतंकवादी अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया। तेरे को पता है ये भी पटाखे मारती है? हाँ पता है मुझे, जैसे तेरी ये तो मारती है लाडो, हाँ ये भी मारती है। गाइस एक बार कमेंट करके जेन्युइनली बताना कैसा लग रहा है नजारा। नजारा नंबर वन, नजारा नंबर टू। पीछे से और दिखाते हैं इनकी लुक, पीछे से तो पीछे से ज्यादा सेक्सी लगती है मेरे को, पता नहीं क्यों, चौड़े चौड़े टायर। हाँ ओ भाई देख गाइस लाडो की लुक देखो, पीछे की इसकी देखो, इसकी तो अलग ही है भाई। ये देखो गाइस लाडो की नजारा नंबर वन, और ये वाली सुपर कार की नजारा नंबर टू। ओ भाई साहब अगर अब कोई बंदा आ जाए ना और देखे ये क्या है,
ऐसे हो जाएगा भाई साहब क्या चल रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग हो रही है क्या ओ भाई साहब सही है एक राइड मार के आएंगे तेरी गाड़ी में भी बस यहीं तक सोसाइटी के बाहर तक ठीक है चल थोड़ी फील लेके देखते हैं क्या लगता है कैसा लगता है अभी रात को खैर लोग तो दिखेंगे नहीं तो पब्लिक रिएक्शन तो हम देख नहीं पाएंगे पर फिर भी एक दो तीन चार जो भी लोग दिखे लेट्स सी पर मुझे लग रहा है कि भाई इसका पब्लिक अट्रैक्शन ना बहुत जबरदस्त होगा क्या मैं सही हूँ यस यू आर राइट बोला था तेरे को एक बार दिल्ली ले जा मजा आ जाएगा तेरे को है हर कोई देखता होगा ना एवरीवन इसे ही देखता है हर कोई इसका तो हमने अलग एक्सपीरियंस किया बट इसके साथ पता है तू एक्सपीरियंस करेगा हर कोई बंदा जेब से फोन निकालेगा और फोटो क्लिक करेगा अच्छा ये एक्सपीरियंस करेगा मस्त है भाई नहीं भाई जेन्युइनली बहुत ही आई कैंडी अट्रैक्टिव कैची गाड़ी है बहुत ज्यादा तो भाई अपने गैराज में जो भी गाड़ियां आ रही है वो सारी अट्रैक्टिव ही आ रही है बिल्कुल एक और सुपरकार आने वाली है गाइस अब मत गाड़ियां मत बकना मेरे को बोलते थे पहले मैं भी लिया है ना विनय को बोलते थे विनय भी लिया है ना तीसरी भी आ जाएगी समय लगता है टाइम लगता है प्लान करना पड़ता है सोचीजे तो सबर रखा करो भाई हम भी सबर कर करके ला रहे हैं सौदे तो आप भी सबर करो गाइस अभी हम चलते हैं विनय की सुपरकार की ड्राइव लेने तो गाइस देखो अभी हमने क्या करा सोसाइटी में ना रात को हमने लाइटें जला दी इंडिकेटर जला दिए भाई साहब अब आ रही है बढ़िया व्यू गाइस ये देखो सुपरकार वन सुपरकार टू पर भाई ये हम रात में बेशक व्लॉग बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं लेकिन एकांत शांति में आके कर रहे हैं काम ये नहीं कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे वो तो है ही किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम अपना एक ओड को आगे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं तो गाइस अभी ना मैं अपनी गाड़ी को तो खड़ी कर रहा हूँ पार्किंग में और फिर ये वाली सुपरकार लेके हम जाएंगे गेड़ी मारने के लिए तू इसको रेडी करी इसका मुंह उधर घुमा इतने आ रहा हूँ मैं इसको पार्क लगा के इसके पटाखे मस्त आते हैं ना चलती चलती इसके पटाखे भी आती ऐसे आते हैं रनिंग में भी आते हैं चलो आज इसके पटाखे फील करेंगे खाली रोड भी लेगा रात को हाँ खाली रोड पे तो मजा ही आ जाएगा ठीक है चल आज इसकी टॉप स्पीड भी देख लेंगे ओ, चल तूने देखी अभी तक कितनी भगाई है वाली मैंने भगा ली कम से कम 120 हाँ इससे ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही भगाने की BMW कितनी भगाई है मैंने अभी तक मेरे को नहीं पता भगा ली होगी 150 तो 150 ही ले गया हूँ ज्यादा नहीं ले गया अभी तक इतनी ठीक रहती है यार हाँ पर गाइस आपको इसकी टॉप स्पीड जान के हैरानी होगी इसकी टॉप स्पीड है 250 के भी प्लस लो गाइस लाडो कर दी लॉक अब दूसरी लाडली के पास चलते हैं और इसको आज राइड पे लेके चलते हैं रात को रोड भी खाली मिलेगा तो थोड़ी इसको भगा के देखेंगे गाइस कैसी भगती है ये यार विनय मैं तो भाई इसकी लुक का फैन हो गया सच बताऊं तो अलग ही लुक है भाई जबरदस्त तो है ही चलो अंदर का इंटीरियर इसका फुल रेड ये भी अच्छा कॉन्ट्रास्ट है इसका है ना हाँ। तो भाई गार्ड की रिएक्शन देखेगा कैसे है टोपी लगा के देख रहा कौन है इस टाइम तो गार्ड ही जाग रहा होगा भाई सारे सो गए होंगे बाकी तो आवाज तो कह रही है बिना इसकी अंदर तक आ रही है बाहर तो और भी आती होगी हाँ आती है ना यू 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 ओ भाई देखो गार्ड देख रहा है कौन गया ओ आगे ध्यान रखो भाई वरना ठुक जाएगी अरे सॉरी भूल गया यार भूल गया क्या टू सीटर है ये भूल गया था तो BMW भी ऐसी उछालता है तेरे को मैं ओ सोसाइटी से थोड़ा आराम से निकालते हैं रात को वरना लोग उठ जाएंगे हु अल्लाह सुन के BMW मैंने कब निकाल दी भाई ऐसे तू ब्रेकरों पे पहले निकालता था ऐसे नहीं निकालता भाई मैं आराम से निकालता हूँ ऐसे निकालता हूँ क्योंकि XUV की आदत पड़ी हुई है ना वो कहीं भी जाओ ऐसे एकदम से निकाल देने की तो इसलिए ऐसा हो रहा है तो गाइस हाईवे पे ले आए हैं गाड़ी को चलो अब इसकी थोड़ी सी भगा के देखते हैं आवाज बढ़िया है भाई बाहर से क्या आवाज आ रही होगी क्या लुक आ रही होगी हम तो अंदर बैठे हम तो पता ही नहीं लगा पा रहे यार कुछ पता है अंदर हमें इतनी आ रही है बाहर इससे डबल है हाँ डबल नहीं भाई बहुत आती है जैसे BMW की ना अंदर हमें बहुत कम फील होती है पर बाहर ना बहुत ज्यादा आती है और इसकी तो और भी ज्यादा आ रही है तो इसकी तो और ज्यादा फील होती होगी बाहर के लोगों को तो गाइस विनय की सुपरकार की राइड लेके आ गए भाई मजा आ गया चलो भाई गाइस इसकी डिग्गी दिखाते हैं आपको विनय इसको खोलते हैं भाई भाई साहब गाड़ी है जबरदस्त कुछ भी बोलो भाई कुछ भी बोलो गाड़ी की लुक जबरदस्त है तो गाइस ये हमने इसका ऊपर कर दिया है अब ये देखो ये है इसका इंजन और ये इसका बूट खुला ये विनय का सूटकेस रखा ये बूट हमने बंद कर दिया ये इंजन है गाइज अभी ना रात को कुछ समझ नहीं आ रहा दिन में अच्छे से व्लॉग बनाऊंगा इसका
तो गाइज आपने देखी विनय की सुपरकार और मेरी सुपरकार दोनों देख ली, आज विनय की गाड़ी की राइड भी ले ली, बट रात को ना इतना कुछ जस्टिस नहीं हो पाया, ना ही बाहर लोग थे ना पब्लिक थी, तो कुछ समझ नहीं आया, बस मैं गाड़ी चला के वापस आ गया। लेकिन भागने में भी एक नंबर है और लुक तो एक नंबर है ही। अच्छा विनय एक बार बता, छत पे चढ़ सकता हूँ मैं? चढ़ जाकर भाई, टूटने लायक ना हो तो। चल छोड़, क्यों रिस्क लेना, दिन में देखता हूँ। कल सिब्बू की वीडियो का शूट है, उसमें मेरा भी सीन है, और कल अपनी दशहरे की वीडियो भी आ जाएगी, मतलब व्लॉग देख रहे हो ना आप तो आज ही आ जाएगी। कल मिलेंगे सुबह 11 बजे नए व्लॉग के साथ, इसके साथ ड्रैग रेस भी जल्दी ही करेंगे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम, बाय बाय।